अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मकसूद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेकी हेल्प टिप्स। एमएस पेंट नाम तो सुना ही होगा और आपने इसका इस्तेमाल भी किया होगा कई बार ड्राइंग बनाने में। जब हम शुरू शुरू में कंप्यूटर सीखते हैं तो वहां पे हम एमएस पेंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहां पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब भी आप कोई ड्राइंग बनाते हैं तो वहां पे वो ड्राइंग जो है प्रॉपर नहीं बनती है और टेढ़ी मेढ़ी डिजाइन हो जाती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जहां पे आप ड्राइंग बना सकते हैं और जब ड्राइंग आप बनाएंगे तो वहां पे ऑटो करेक्ट, मतलब वो ऑटोमेटिक सेंस करेगा और सेंस करने के बाद अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके एक अच्छी ड्राइंग बना के आपको दे देगा। बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप इसमें इस्तेमाल कर पाएंगे, तो आइए देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे एक नए व्यूअर हैं, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो पॉज करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए। सबसे पहले आपको बता दूं आपको करना क्या होगा। आपको अपने कंप्यूटर पे या फिर अपने लैपटॉप पे या फिर अपने टैबलेट आपको ओपन करना होगा वेबसाइट जिसका नाम है autodraw.com। जैसी वेबसाइट ओपन होती है आप इसकी स्क्रीन के सामने आप देखेंगे यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो चुकी है और यहाँ पे ये वेबसाइट का नाम है और बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिया, जैसे कि autodraw यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपका लेआउट है जहां पे आप चीजें ड्रॉ करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे टूल दिया हुआ है, सिलेक्शन टूल है, ड्रॉ है और यहाँ पे टाइप है, ऑटोफिल है और शेप है और ऑटोड्रा है और यहाँ पे कलर चेंज का ऑप्शन दिया गया है। तो सारी चीजें वन बाय वन करके देखते हैं। आइए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ड्रॉ का ऑप्शन है। अगर मैं ड्रॉ के ऑप्शन पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे क्या है आप देखिए क्या होता है, मैं आपको फिर से दिखा दूं। यहाँ पे ऑटोड्रा है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे ऑटोड्रा पे क्लिक कर देता हूं। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक शेप लेता हूँ ट्रायंगल का, और जैसे मैं ट्रायंगल का शेप लेता हूं आप देखेंगे टॉप साइड पे आपको क्या है, बहुत सारे ऑप्शन आपको यहां पे दिख जाते हैं। अब आप उसमें से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, जैसे कि आप देख लीजिए ये सारे ऑप्शन आपको यहां पे दिख रहे हैं। अब मान लीजिए मुझे इसमें से कोई भी ऑप्शन एक चूज करना है, मैं यहां पे ये चूज करता हूं, तो ये आप देख सकते हैं शेप जो है वो ऑटोमेटिक एज इट इज आपको दिखाई यहां पे पड़ जाता है, आपको यहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। यही एमएस पेंट में क्या होता था, जब आप एमएस पेंट में बनाते थे तो आपको प्रॉब्लम ये आती थी कि यहाँ पे बनाने के बाद ये प्रॉपर शेप नहीं ले पाता था, लेकिन यहाँ पे ऑटो करेक्ट का फीचर है और उसके साथ साथ टॉप साइड पे आपको बहुत सारी चीजें दिख जाती हैं जहां से आप चूज कर सकते हैं। अब आइए फिर से एक बार आप यहाँ पे आते हैं और क्या देखते हैं यहाँ पे क्या ऑप्शन है। जैसे कि ड्रॉ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, ड्रॉ पे क्लिक करने के बाद अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे दो सर्कल्स लेता हूँ और उसके बाद एक लाइनिंग बनाता हूँ और फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं साइकिल का शेप दे देता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे साइकिल का शेप बन गया है। अब अगर यहां पे देखिए कि यहां पे मुझे कुछ लिखना भी है तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, जैसे कि हेलो, तो आप देखिए यहां पे आप लिख सकते हैं। अगर आप यहां पे एक चीज और भी है, ऑटो ड्रा अगर आप करते हैं तो उस केस में क्या होगा, ऑटो ड्रा जब भी आप करते हैं तो आप देखते हैं कि यहां पे अगर मैंने मान लीजिए एक हट बना दिया और ये हट बना दिया, अब आप टॉप साइड पे देखिए आपको बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ती हैं, तो यहाँ पे आप अगर हट देखिए आपको हट यहाँ पे मिल जाती है और वो करेक्ट करके आपको अच्छी तरीके से आपकी झोपड़ी बना के दे देता है। कलर करेक्शन आपको करना है तो आप कलर करेक्शन भी कर सकते हैं। फिल पे आप आएंगे, यहाँ पे आप कलर चेंज करेंगे, मान लीजिए मैं येलो ले लिया तो आप देखिए आपको येलो हो गया। उसके साथ साथ अगर मैं अगर कोई और कलर लेना चाहता हूँ तो मैं और कोई कलर ले सकता हूँ। इस तरीके से आपकी हट काफी ज्यादा अच्छी अट्रैक्टिव बन जाती है। और इसमें क्या है आप वो भी देख लेते हैं कि इसमें और क्या फीचर दिया हुआ है। अगर आपको ड्रॉ के साथ साथ अगर आपको टाइप करना है तो यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं मान लीजिए मैंने अपने चैनल का नाम लिखा टेकी हेल्प टिप्स, तो आप देखिए ये चैनल का नाम लिख उठा। अब यहाँ पे इसको जहां भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाता है। यहाँ पे सिलेक्शन टूल भी आपको मिल जाता है, अगर आप सिलेक्ट करते हैं मान लीजिए इसको दोबारा से आप कहीं और मूव करना चाहते हैं तो कहीं और मूव करा सकते हैं। और इसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए कि अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए कि वन बाय वन आपका सिलेक्ट हो जाता है, जहाँ पे आप मूव कराना चाहते हैं वो मूव हो जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या है आपको मैंने दिखा दिया सारी चीजें। ऑटो ड्रा में क्या है, ऑटो ड्रा अगर मैं क्लिक करता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से करता हूँ तो सर्कल देखिए प्रॉपर वो चीजें बनती हैं और टॉप साइड पे आपको दिख जाता है। आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या बन जाता है, ग्लास का एक साइन जो था वो बन जाता है। अब अगर यहाँ पे मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ, इसको सिलेक्शन टूल लेने के बाद क्या होगा आप देखेंगे कि आप इसको कहीं भी क्या कर सकते हैं, आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो मैंने इसको चूज किया सिलेक्शन टूल को और मैं यहाँ पे लाया। अब उसके बाद आप देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप मान लीजिए इसमें से कुछ और करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे फिल करना है कलर को और कलर मुझे चेंज करना है
तो मैं यहाँ पे एक कलर दूसरा ले लेता हूँ, या दोनों में देखिए आप दोनों के कलर आपको सेम दिखाई पड़ते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे क्या है कि आप जिस भी तरीके से शेप यहाँ पे देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। यहाँ पे तीन शेप बाय डिफॉल्ट आपके मिलते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप अगर लेना चाहते हैं तो इसमें से कोई भी शेप आप चूज कर सकते हैं। जो भी शेप आप चूज करेंगे वो आपका बन जाएगा, जैसे कि मैं स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर बन जाएगा, अगर मैं ट्रायंगल करूंगा तो ये ट्रायंगल बन जाएगा, और ये अच्छे से बन जाता है। देखिए तीन दो जिस तरीके से आप बनाना चाहे वैसे यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सारी चीजें काफी खास हैं, अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं autodraw.com पे जाके। तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप बनाइए, और इस तरीके से आप यहाँ पे सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करिए, उसके साथ साथ autodraw अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही मजा आने वाला है आपको। जैसे कि मैं एक ड्रग बना के देखता हूँ क्या आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे डक का ऑप्शन तो मुझे नहीं दिख रहा है, देखता हूँ कुछ आगे करके शायद मुझे डक का ऑप्शन दिख जाए। ओके मैं इसको ले लेता हूँ मान लीजिए। तो ये देख सकते हैं आप ड्राइंग में ये आपका सिलेक्ट हो जाता है। अब मैं अगर कलर चेंज करना चाहता हूँ तो फिल पे आऊंगा और मैं इसका कलर कुछ दे देता हूँ मान लीजिए ये, तो ये कलर हो गया। तो ये चीजें हैं जो कि काफी इसको खास बनाती हैं autodraw.com, जो कि एज अ पेंट आप वर्क कर सकते हैं, और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है ताकि एक आप अच्छी ड्राइंग बना सकें। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सबसे पहला काम इसको जो कर सकते हैं, और आपको करना भी चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, तो मेरे चैनल को आप लाइक कर लीजिए अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि मेरे चैनल का नाम है टेकी हेल्प टिप्स।